हाल ही में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून शेयर किया, जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल इस कार्टून के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि नेहरू बहुत बड़े नेता और प्रधानमंत्री थे और पीएम मोदी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कार्टून सार्वजनिक होने के बाद यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने याद दिलाया कि नेहरू और अंग्रेजों के बीच कैसे संबंध थे। हालांकि भाजपा ने भी काउंटर अटैक करते हुए इसी शैली में जवाब दिया और एक इमेज शेयर करते हुए लिखा, ये है नेहरू का सच। भाजपा ने रील और रियल के जरिए अपना पलटवार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर लिखा, नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा है, लोकतंत्र राष्ट्रवाद बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने काफी शर्मनाक ट्वीट किया। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की गई, जिसमें संसद भवन की डिजाइन की तुलना ताबूत से की गई। लोगों को ये जरा भी रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जिन्हें संसद भवन ताबूत लग रहा हो वो यहाँ कदम न रखें। वहीं बिहार बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखा हमला बोला। इसके अलावा दलित नेता उदित राज ने कहा, राष्ट्रपति जी अपने अधिकार व संविधान की रक्षा के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।